नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान की मोस्ट आई एम पी एक हज़ार की एम सी क्यूज का पार्ट दूसरा दोस्तों पार्ट पहला और मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और चलते हैं प्रश्नोपन दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न लिया गया है हरियाणा राज्य हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल है चवालीस हजार दो सौ बारह वर्ग किलोमीटर का इसके बाद अगला प्रश्न है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो इसका आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी इसके बाद अगला प्रश्न किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों सर्वाधिक देशों के साथ लगती है दोस्तों इसका आंसर है चीन देश की इसके बाद अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूच्यांक होता है दोस्तों इसका आंसर है तूफान का सूच्यांक होता है इसके बाद अगला प्रश्न भारतीय मरु इस, मरुस्थल का क्या नाम है तो इसका आंसर है थार मरुस्थल इसके बाद अगला प्रश्न काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण किस राज्य में स्थित है दोस्तों यह है अशाम है असम में स्थित इसके बाद अगला प्रश्न पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है दोस्तों इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की दिशा में अगला प्रश्न उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है इसका आंसर दोस्तों छिप्रा नदी के किनारे अगला प्रश्न कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है तो इसका आंसर है चांदी धातु सबसे अधिक बिजली की सुचालक है इसके बाद अगला प्रश्न भी बात करते हैं अगला प्रश्न है, है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो इसका आंसर है मीथेन अगला प्रश्न स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह कथन किस इसे किसने किस कहा किस है किसने कहा था यह कहा था लोकमान्य तलक ने इसके बाद अगला प्रश्न राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है तो इसका आंसर है छ वर्ष की अवधि के साथ और दोस्तों एक सौ तेरहवा प्रश्न हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी इसके बाद अगला प्रश्न एक सौ हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है दोस्तों आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या फिर मिल्की इसके बाद अगला प्रश्न हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था इसका आंसर दोस्तों अत्यंत मार्ड इसके बाद अगला प्रश्न तुलसीदास कृत राम मानस हिंदी भाषा की बोली में लिखी गई है किस बोली में लिखी गई है तो दोस्तों यह है बोली में लिखी गई है इसके बाद अगला प्रश्न है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस जी कहलाते हैं इसके बाद अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी दोस्तों यह है से हुई थी में और अठारह सौ छियानवे से इसके बाद अगला प्रश्न भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में आठ बार स्वर्ण पदक जीता तो इसका आंसर दोस्तों हॉकी खेल में इसके बाद अगला प्रश्न भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और और कब जीता था दोस्तों आखिरी बार जीता था 1980 में मार्क्स में मार्क्स को के ओलंपिक में इसके बाद अगला प्रश्न ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है या कितने वर्षों के बाद होता है तो इसका आंसर है चार वर्षों के बाद अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय है लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है इसके बाद एक प्रश्न दो सन दो में ओलंपिक खेल कहाँ हुए दो में लंदन में हुए थे इसके बाद अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज कितने गोले हैं ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं दोस्तों ओलंपिक ध्वज में पांच गोले हैं इसके बाद अगला प्रश्न एक सौ पच्चीस एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है दोस्तों सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है अगला प्रश्न दोस्तों सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे 2020 में जो दोस्त टोक्यो जापान में होंगे अगला प्रश्न दो हजार बारह के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली शाइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है तो, तो इसका संबंध है बैडमिंटन से इसके बाद अगला प्रश्न भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था इसका आंसर है उन्नीस में सन उन्नीस में इसके बाद अगला प्रश्न ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है तो है मल्लेश्वरी कर मल्लेश्वरी जी हैं जिनने पहला स्वर्ण पदक जीता था इसके बाद अगला प्रश्न है बैक टू द बेदास बे यानी कि बेदों की और लो, लोटो का नारा किसने दिया था दोस्तों नारा दिया था महर्षि दयानंद जी ने इसके बाद अगला प्रश्न प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी दोस्तों तो श्याम लाल गुप्त पार जी ने की थी जो कि पार्षद थे बात अगला प्रश्न पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण होती है एक सौ तैतीसवा प्रश्न मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है तो इसका आंसर है गुरदे सिंह इसके बाद अगला प्रश्न किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार मिला है इसका आंसर प्रो अम्... है प्रोफेसर अमृत सेन को इसके बाद अगला प्रश्न भारत रत्न उस्ताद बिस्म खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात है दोस्तों यह है शहनाई वाद्य यंत्र में इसके बाद अगला प्रश्न भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो भारत के अंतिम जनरल थे सी राम गोपाल चारी चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न एक सौ सैंतीसवा है रूस के सहयोग से किया गया, से किया गया। एक सौ अड़तीसवा प्रश्न है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है दोस्तों इस तो इसका आंसर है हेमेंद्री हेमां द्री। के बाद अगला प्रश्न विश्व विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली प्रथम महिला थी जापान की जून को तबाई। इसके बाद अगला प्रश्न है पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों पीलिया यकृत या फिर लीवर का रोग है इसके बाद अगला प्रश्न द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है तो यह नियम है दोस्तों पास्कल के नियम से संबंधित है इसके बाद अगला प्रश्न क्रेरोफिल का खनिज घटक क्या है तो, तो इसका आंसर है मैग्नीशियम इसके बाद अगला प्रश्न एलपीजी गैस में क्या होता है दोस्तों एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन इसके बाद अगला प्रश्न किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था तो यह दोस्तों जेम्स प्रिंस शेष सेफ ने पढ़ा था इसके बाद अगला प्रश्न किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो इसका नाम है दोस्तों उपगुप्त तो, उपगुप्त के उपगुप्त उपगुप्त ने के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा मुगल बादशाह आशिक्षित था इसका आंसर है दोस्तों अकबर अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी इसका आंसर है दोस्तों गुरु रामदास जी ने इसके बाद अगला प्रश्न गदर पार्टी का संस्थापक कौन था इसका आंसर है लाला हरदयाल इसके बाद अगला प्रश्न सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी तो इसका आंसर दोस्तों गुरु अंगद देव जी ने इसके बाद एक सौ पचास प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो इसका नाम है ऋग वेद अगला प्रश्न है किस मुगल किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौतलाबाद स्थानांतरण की थी तो इसका आंसर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक इसके बाद एक सौ बावन प्रश्न है प्रथम पंचायती पं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी उन्नीस से इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें अगला प्रश्न है चीनी यात्री हेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों बिस कौन सी विश्वविद्यालय थी नालंदा विश्वविद्यालय इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है तो इसका आंसर दोस्तों ओ इसके बाद अगला प्रश्न मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो इसका आंसर है दो सौ सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है इसका आंसर अच्छा दोस्तों विटामिन डी अगला प्रश्न मादा एना फ्लीस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है इसका आंसर अच्छा दोस्तों मलेरिया अगला प्रश्न टेलीफोन का आविष्कार टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसके बाद <coughs> अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों प्रकाश की गति होती है तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग इसके बाद अगला प्रश्न पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों यह सबसे पहले बताया था कॉपर निकट ने इसके बाद अगला प्रश्न प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोरीय दूरी से इसके बाद अगला प्रश्न स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है प्रश्न चार मीनार स्थित दोस्तो है है दोस्तों कुतुब मीनार है दिल्ली में स्थित और फिर अगला है गेट वे ऑफ इंडिया गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है तो यह है मुंबई में स्थित है और फिर अगला गेट इंडिया कहाँ स्थित है तो गेट इंडिया है नई दिल्ली में स्थित अगला प्रश्न ताजमहल कहाँ स्थित तो, ताज है दोस्तों आगरा में स्थित है उसके बाद अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों इसका आंसर है सिंगापुर में बाद अगला प्रश्न शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है पाँच सितंबर को इसके बाद अगला प्रश्न खेल दिवस कब मनाया जाता है खेल दिवस मनाया जाता है उनतीस अगस्त को चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है किसके जन्म दिवस किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों मेजर मेजर ध्यानचंद के इसके बाद अगला प्रश्न है एक सौ बहत्तरवा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों इसका आंसर है पाँच जून को इसके बाद अगला प्रश्न करो या मरो का नारा किसने दिया था तो यह नारा दिया दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इसके बाद अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और फिर इस अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों दिल्ली चलो का नारा भी दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और फिर वेदों की ओर लोटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने उसके बाद अगला है दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था तो यह नारा दिया था भगत सिंह जी ने और फिर अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इसका यह नारा, किसन नारा, नारा किसने दिया था यह नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और आराम हराम है यह नारा किसने दिया था यह नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने और अंगला जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है करो या मरो मारो फ्रंगी को एक सौ इक्यासी प्रश्न मारो फ्रंगी को का नारा किसने दिया था दोस्तों यह नारा दिया था मंगल पांडे ने एक सौ बयासी प्रश्न सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू एक का दिल में है दोस्तों यह नारा दिया किसने दिया था यह नारा दिया था राम प्रसाद बिशमल ने इसके बाद अगला प्रश्न एक सौ भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो इसका आंसर दोस्तों समुद्र गुप्त को इसके बाद अगला प्रश्न सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है तो यह आंसर सती प्रथा के अंत में सबसे ज्यादा समाज सुधारक कहा सुधारक का है तो सब सबसे ज्यादा है दोस्तों राजा राम मोहन राय का उसके बाद अगला प्रश्न राम कृष्ण मिशन की स्थापना किस किसने की थी इसका उसका दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने इसके बाद अगला प्रश्न महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों यह दो अक्टूबर को मनाया जाता है इसके बाद अगला प्रश्न महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी यह दोस्तों रविन्द्र टैगोर जी ने दी थी अगला प्रश्निमेंट विध पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है अगला प्रश्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों इसका आंसर है भारत रत्न चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है दोस्तों यह भारतीय पुरस्कार है दादा फाल्के पुरस्कार और अगला प्रश्न भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा कौन सा है या फिर पदक का क्या नाम है दोस्तों इसका आंसर है परमवीर चक्र इसके बाद अगला प्रश्न भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों यह इसका आंसर है कालीदास को इसके बाद अगला प्रश्न कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है तो कहा इस, इसका आंसर है चार्ल्स बेबेस को इसके बाद अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों तो अंतरिक्ष तो में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था यूरी गंगा रिन जो कि रूस देश के थे इसके बाद अगला प्रश्न चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों चंद्रमा पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील इसके बाद अगला अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा इसके बाद अगला प्रश्न प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था दोस्तों प्रथम भारतीय ग्रह उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट भट्ट और इसे सन 1975 में छोड़ा गया था इसके बाद अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासचिव के महासचिव बान की बूंद नहीं है यह एक जनवरी 2002 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और इनके नए बन गए हैं तो संयुक्त राष्ट्र महा संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटो लियो एंटो लियो है जो एक जनवरी 2017 से कार्यभार संभाल लिया है यह मान के उनका का कार्यकाल समाप्त हो गया था इसके बाद अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्टवा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आठ मार्च को दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक था मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें तो दोस्तों चलते हैं मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों बाय